नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स हैं वो भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, और ये वीडियो लेक्चर आपको मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाया करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अगर इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही में इनकी PDF जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के विभिन्न विषयों के लिए दिया जाता है? तो आपका उत्तर जो है वो होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपको बता दें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट भारतीय कार्य को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, बाधिर लोगों के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज, कौन सा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के दूसरे संस्करण में कितने शब्द हैं? तो आपका उत्तर होगा 6,000। कितने? 6,000 शब्द हैं। आपको बता दें, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 27 फरवरी 2019 को, कितने? 27 फरवरी 2019 को भारतीय सांकेतिक भाषा ISL, किसका? ISL शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 27 फरवरी 2019 को। शब्दकोश के दूसरे संस्करण में 6,000 शब्द शामिल हैं। शब्दकोश का पहला संस्करण 23 मार्च 2018 को 3,000 शब्दों के साथ लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें, जो पहला संस्करण है वो कब लॉन्च हुआ था? 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च 2018। इसमें कितने शब्द थे? 3,000 शब्द थे। ठीक है, और जो दूसरा संस्करण है ये कब लॉन्च हुआ है? 27 फरवरी 2019। इसमें कितने शब्द हैं? 6,000 शब्द हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार कितने श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा 6। आपको बता दें, ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में विशिष्टता को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के विचार से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए थे। ठीक है, कितने श्रेणियों में प्रदान किए गए? मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। क्या श्रेया योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो आपका उत्तर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आपको बता दें, इसमें देश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक के छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनकी प्रोफाइल के आधार पर आगे 6, 9 या 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में यह पोर्टल काम करेगा। वर्ष 2019 में लगभग 3 लाख छात्रों को इसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, 4G LTE और 5G NR मॉडेम के लिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका जो उत्तर है वो होगा सिग्नल चिप। किसके द्वारा? सिग्नल चिप। तो आपको बता दें, दूरसंचार अरुणा सुंदर राजन ने सेमीकंडक्टर कंपनी सिंगल चिप द्वारा 4G LTE और 5G NR मॉडेम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की सुरक्षा में विश्व आज सर्वाधिक चिंता का विषय है।
और भारत आंकड़ों के संदर्भ में अब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वह स्वयं की चिप्स का निर्माण ना कर ले। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अगर आप पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर होगा खेल मंत्रालय। तो आपका आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी को विजेताओं को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पुरस्कार प्रदान किए गए। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इस साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की शुरुआत की थी, जिससे 18 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं को सार्वजनिक मुद्दों के साथ जुड़ने और आम आदमी के विचार समझने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा खेल मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो आपका उत्तर होगा नाइजीरिया। आपको बता दें, नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और दुनिया के तेल उत्पादकों में से एक है। इसकी राजधानी अबूजा है। इसकी राजधानी क्या है? अबूजा। इसकी सीमाएं पश्चिम में बेनिन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुआना की खाड़ी से लगती हैं। वर्ष 2018 में नाइजीरिया में विश्व में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। वर्ष 2018 में नाइजीरिया में विश्व में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। नाइजीरिया जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। ठीक है, इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, किसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? ठीक है, तो किसे नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? तो आपका उत्तर होगा मुहम्मदु बुहारी। आपको बता दें, नाइजीरिया के आम चुनाव के परिणाम की 26 फरवरी 2019 को घोषणा हुई। इसमें मुहम्मदु बुहारी को दूसरे कार्यकाल के लिए देश का राष्ट्रपति चुना गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस सरकारी विभाग द्वारा अटल जल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन शुरू किया गया? कौन सा अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन? तो आपका उत्तर होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग। आपको बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। शुरुआत किया गया मिशन अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवोन्मेष उपक्रम। उद्देश्य अगले 5 वर्ष के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में बदलाव करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संप्रीति 2019 या भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। क्या होगा आपका उत्तर? बांग्लादेश। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 से 15 मार्च 2019 तक बांग्लादेश के तंगेल में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संचालित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है। यह 8वां अभ्यास होगा। दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं। दोनों देश वैकल्पिक रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।